क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पर कॉम्प्लेक्स नंबर में। क्वेश्चन नंबर 6, इफ जेड क्यूब इज इक्वल टू जेड बार इनटू 2 रेज टू द पावर 1 माइनस मॉडुलस जेड, देन फाइंड मॉडुलस जेड। क्वेश्चन नंबर 6, इन जेड क्यूब इज इक्वल टू जेड बार इंटू 2 रेज टू द पावर 1 माइनस मॉड जेड, देन फाइंड मॉड जेड। यहां समझिए क्या करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो, ऐसे लिखा हो जेड वन बराबर जेड टू, देन क्या दोनों तरफ मॉड ले सकते हैं? दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो तो क्या उनके मॉडुलस इक्वल होंगे? हाँ होंगे, लेकिन मॉड इक्वल हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होना जरूरी नहीं है। मॉड का मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस इक्वल है तो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल नहीं होगी, अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, इक्वल है सेम ही हो गए, तब तो उनका मॉडुलस तो सेम हो गए, डिस्टेंस सेम ही होगी, डिस्टेंस आर्गुमेंट जो, ठीक है। तो यहां पर इसको सॉल्व करना है तो दोनों तरफ क्या करिए, मॉड ले लिए, मॉडुलस जेड बार मॉड जेड ही होता है इंटू 2 पावर 1 माइनस मॉड जेड, ये तो रियल नंबर है, मॉड इसका 2 पावर एक्स हमेशा पॉजिटिव था, एक मॉड जेड या तो कैंसिल होगा या जीरो, तो आइदर मॉड जेड इज इक्वल टू जीरो, मॉड जेड जीरो हो तो भी हो सकता है, या मतलब जेड बराबर जीरो हो जाए तब भी इक्वल हो जाएगा, मॉड जेड बार तो मॉड जेड ही है, तो एक कैंसिल करेंगे तो मॉड जेड स्क्वायर बराबर 2 पावर 1 माइनस मॉड जेड, ऐसा है। मॉड जेड क्या है? रियल नंबर, जेड कॉम्प्लेक्स है लेकिन मॉड लेने के बाद रियल हो गया, ऐसे लिखो एक्स स्क्वायर बराबर 2 पावर 1 माइनस एक्स, इसका रूट पूछा जाए आपसे तो इसका रूट हिट एंड ट्रायल से कैलकुलेट करना पड़ेगा, बाकी ग्राफ वगैरह से आप बता सकते हो कि एक्स स्क्वायर ग्राफ ऐसे है, 2 पावर 1 माइनस एक्स का ग्राफ इस तरह से आ रहा है, तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा जब एक्स पॉजिटिव होगा, लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या फिर इसका सोल्यूशन क्या होगा तो हिट एंड ट्रायल से करना पड़ेगा, देखिए कौन सी वैल्यू आएगी, एक्स बराबर वन का स्क्वायर 1, 2 पावर 1 माइनस 1, 0, 2 पावर 0, 1, ऐसे देखना पड़ता है, तो इससे मॉडुलस जेड की वैल्यू क्या होगी, 1 और 0, इस क्वेश्चन में नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए, एक एरिया ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय जेड ओमेगा जेड एंड जेड प्लस ओमेगा जेड इज 16√3, देन फाइंड मॉड जेड। ये तीन पॉइंट है, एक पॉइंट है जेड, दूसरा है ओमेगा जेड, तीसरा है जेड प्लस ओमेगा जेड, या ये समझ लीजिए एक ट्रायंगल के ये वर्टाइसेस हैं जिसका एरिया है 16√3, तो मॉड जेड की वैल्यू कैलकुलेट। ट्रायंगल के वर्टेसेस जेड ओमेगा जेड, यहां लिखते हैं ये है जेड, ये ओमेगा जेड, जेड प्लस ओमेगा जेड,
ए बी एंड सी, ये वर्टिसेस दिए, ट्रायंगल का एरिया दिया है, मॉड जेड कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करिए और बताइए जिसका भी आंसर आ जाए। तो इसके लिए पहले साइड कैलकुलेट कर लेते हैं। इस साइड की लेंथ क्या होगी एसी की, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है जेड वन माइनस जेड टू, तो जेड प्लस ओमेगा जेड माइनस जेड, जेड वन माइनस जेड टू का मॉडुलस, तो ये हो गया जेड कैंसिल, तो मॉड ओमेगा जेड, इसे मॉडुलस ओमेगा इंटू मॉडुलस जेड लिख सकते हो। मॉडुलस ओमेगा कितना होता है वन, तो कितना है मॉड जेड। तो एसी ये जो साइड है इसकी लेंथ है ये मॉड जेड। ऐसे ही बीसी साइड की लेंथ निकालो, बीसी साइड क्या होगी इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जेड वन माइनस जेड टू का मॉडुलस, ओमेगा जेड कैंसिल, तो कितना आ गया मॉड जेड। तो ये सेकेंड साइड भी है मॉड जेड, दो साइड आ गई मॉड जेड। तो थर्ड साइड क्या होगी, थर्ड साइड कैलकुलेट करते हैं ए बी मॉड जेड माइनस ओमेगा जेड, जेड कॉमन हो गया मॉड जेड वन माइनस ओमेगा। अब वन माइनस ओमेगा निकालना है तो ओमेगा की वैल्यू रख दो, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है माइनस वन बाई टू प्लस आयोटा रूट थ्री बाई टू, ये थी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये आ गया मॉड जेड वन माइनस प्लस वन बाई टू थ्री बाई टू माइनस आयोटा रूट थ्री बाई टू, उसका मॉडुलस कितना रूट ओवर 3 by 2 का स्क्वायर 9 by 4 प्लस रूट 3 by 2 का स्क्वायर 3 by 4 12 by 4 का रूट रूट 3, तो ये 3 हो गया रूट 3 mod z। तो थर्ड साइड आ रही है रूट 3 mod z। आइसोसेलस ट्रायंगल है, एरिया कैसे निकालते हैं हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, इससे इस पे एल्टीट्यूड डाल, एल्टीट्यूड ही मीडियन होता है आइसोसेलस ट्रायंगल। ये कितना आ जाएगा रूट थ्री बाई टू मॉड जेड। एक राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस से ये लेंथ कैलकुलेट कीजिए सी एम कितनी आ जाएगी मॉड जेड स्क्वायर माइनस रूट थ्री बाई टू मॉड जेड का स्क्वायर, मॉड जेड स्क्वायर माइनस थ्री बाई फोर मॉड जेड स्क्वायर, वन बाई फोर मॉड जेड स्क्वायर का रूट मॉड जेड बाई टू। ये अल्टीट्यूड हो गया, ये बेस हो गया, तो एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस, बेस है रूट थ्री मॉड जेड, इंटू हाइट है मॉड जेड बाई टू। ये क्वेश्चन में दिया है एरिया कितना है 16 रूट थ्री, रूट थ्री रूट थ्री कैंसिल, मॉड जेड स्क्वायर बराबर कितना आ गया 64, मॉड जेड बराबर 8, मॉड पॉजिटिव होता है केवल, तो आंसर है 8। नोट करिए कौन सा फॉर्मूला आइसोसेलस ट्रायंगल बी बाय टू रूट फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई कहे कि इक्विलेटरल वाला लगा दे रूट थ्री बाई फोर मॉड जेड स्क्वायर, तो भी आ जाएगा रूट थ्री बाई फोर मॉड जेड स्क्वायर, लेकिन इक्विलेटरल नहीं है, गलत फॉर्मूला लगा के भी सही आ जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट आर्टिकल है कॉम्प्लेक्स नंबर में एनएथ रूट्स ऑफ यूनिट। नोट कर लीजिए इसे, कोई भी प्रॉब्लम है कोई डाउट है तो बताइए। अब हम लोग इसमें पढ़ते हैं nth रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट में क्या था z क्यूब बराबर, क्यूब रूट आए थे nth रूट में z पावर n बराबर, टेंथ रूट चाहिए तो z पावर 10 बराबर हो, ठीक है 13 रूट चाहिए होगा z पावर 13 इक्वल टू 1, जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। 1 को क्या लिखेंगे cos 0 degree plus iota sin 0 degree that is e power iota 0 degree,
इसके बाद क्या करते हैं इसमें 2 के पाई ऐड कर लेते हैं, देयरफॉर जेड पावर एन बराबर कितना हो जाएगा ई पावर आयोटा 2 के पाई, यही करना है डी मॉर्गन थ्योरम लगाने के, एन इधर ले जाएंगे जेड बराबर कितना हो गया ई पावर आयोटा 2 के पाई बाई एन, ए की वैल्यू क्या रखोगे 0, 1, 2, 3 कहां तक एन माइनस वन तक, क्यों बोलता तो 0, 1, 2 जो n है तो n माइनस वन तक जाना है, ऐसे कैलकुलेट करना है nth रूट्स ऑफ यूनिटी, z पावर n इक्वल टू 1 को लिख लिया cos 0 डिग्री प्लस sin 0 डिग्री आयोटा sin 0 e पावर आयोटा 0, उसमें जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट लिखेंगे, फिर n एनालिसिस में ले जाएंगे k की वैल्यू रख देंगे, रूट्स क्या हो गए रूट्स हो गए 0 रखोगे तो 1 रखेंगे तो आएगा e पावर आयोटा 2 पाई बाई एन, फिर e पावर आयोटा 4 पाई बाई एन, e पावर आयोटा 6 पाई बाई एन, अब e पावर आयोटा 2n माइनस 1 इंटू पाई बाई एन। इस वैल्यू को अगर अल्फा कहते हैं ये क्या होगा अल्फा स्क्वायर, नेक्स्ट क्या होगा अल्फा क्यूब अप टू अल्फा पावर एन माइनस वन, ये है रूट्स, वे अल्फा हमने किसको अज्यूम किया e पावर आयोटा 2 पाई बाई एन, तो अगर इसे अल्फा लिख लें तो ये होगा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब, कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, मान लीजिए बीटा ले लें तो बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब ले, कोई स्टैंडर्ड सिंबल नहीं है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में स्टैंडर्ड सिंबल था वो ओमेगा वैसे तो, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस लिखा हो तो वहां पे दिया होना चाहिए ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ऐसे यहां लिखा होना चाहिए एमएस रूट ऑफ यूनिटी, नोट में पॉइंट्स देखते हैं और प्रॉपर्टीज कर लीजिए इसके, एथ रूट्स ऑफ यूनिटी से रिलेटेड पॉइंट्स, इनमें से किसी भी एन रूट्स ऑफ यूनिटी का मॉड लेते हैं अगर मॉडुलस सभी का क्या होगा 1, इन सभी का मॉडुलस 1 होगा क्योंकि ये क्या है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा या 1 इंटू ई पावर आई थीटा, तो 1 मॉडुलस है ये आर्गुमेंट, तो इन सभी का मॉड 1 है, e पावर आई थीटा कहीं लिखा है तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा उसका मॉड क्या हुआ रूट और cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, वैसे इसी के रूट हैं तो इसको सेटिस्फाई करते हैं, इसका लिखोगे मॉड दो तो ले लो मॉड z पावर n इक्वल टू 1, तो मॉड z बराबर 1 उसी के सारे जितने भी रूट आएंगे वो मॉड z बराबर 1 होगा उसमें, सेकंड अल्फा पावर n की वैल्यू 1 होगी क्योंकि अल्फा इसका रूट है तो इसे सेटिस्फाई करेगा, या यहां से निकाल सकते हो अल्फा पावर n कितना होगा, मैं ऐसे भी लिख सकते हो अल्फा पावर एन ई पावर आयोटा 2 पाई बाई एन पावर एन दैट इज ई पावर आयोटा 2 पाई दैट इज कॉस 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई, कॉस 2 पाई की वैल्यू 1 साइन 2 पाई की 0, वैसे देख सकते हो या फिर डायरेक्ट ऐसे देख सकते हो इसको सेटिस्फाई कर रहा है अल्फा पावर एन 1 होगा, जैसे वहां ओमेगा क्यूब 1 होता है, nth roots of unity, roots of unity for a GP with common ratio alpha that is e power iota 2 pi by n, nth roots of unity form a GP, जो nth roots of unity है वो एक GP बना रहे हैं जिसका common ratio क्या है अल्फा है दैट इज ई पावर आयोटा 2 पाई बाई एन, ठीक है, कोई डाउट
और पॉइंट्स देखते हैं. सम अप ऑल द nth रूट्स ऑफ यूनिट. सम अप ऑल द nth रूट्स ऑफ यूनिट. वन प्लस अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर अप टू अल्फा पावर एन माइनस वन. ये बराबर क्या होगा जी? प्रूव करना हो तो ऐसे लिख सकते हो, जीपी का सम लगा सकते हो. एलएचएस में क्या हो गया? वन इंटू वन माइनस अल्फा कॉमन रेशियो अल्फा पावर एन अपॉन वन माइनस अल्फा. और अल्फा पावर एन कितना है? वन है. तो वन माइनस वन अपॉन वन माइनस अल्फा कितना हो गया जी? या फिर ऐसे कर सकते हो, ये सभी डेड पावर एन माइनस वन इक्वल टू जीरो के रूट्स हैं. तो सम आप रूट्स क्या लिखोगे? माइनस टाइम्स कोफिशियंट ऑफ जेड पावर एन माइनस वन अपॉन कोफिशियंट ऑफ जेड पावर एन. और जेड पावर एन माइनस वन का कोफिशियंट तो जीरो, वैल्यू जीरो हो जाएगी. इसी फोर्थ से ही देखेंगे दूसरा पॉइंट. फोर्थ को फिर से मैं लिख रहा हूं. देखिए समेशन आर इक्वल टू जीरो टू एन माइनस वन. जैसे आप रूट्स को ऐसे ले सकते हैं, अल्फा पावर आर बराबर जीरो. देख लीजिए, आर जीरो रखोगे, वन रखोगे, टू रखोगे, अब तो एन माइनस. ठीक है, r इक्वल टू जीरो टू एन माइनस वन. किसी को लिखा है अल्फा क्या था? अल्फा था e पावर अल्फा टू पाई बाई. ये वैल्यू यहां रख देता हूं, क्या जाएगा? समेशन r इक्वल टू जीरो टू एन माइनस वन e पावर आयोटा टू पाई बाई एन पावर r मीन टू पाई r बाई एन इक्वल टू जीरो. e पावर आयोटा थीटा क्या होता है? cos थीटा cos 2 पाई r बाई एन प्लस आयोटा साइन 2 आर पाई बाई एन. आर की वैल्यू 0 से n माइनस वन तक. ये समेशन दोनों पे अलग अलग कर सकते हो. दिस समेशन प्लस आयोटा इंटू दिस समेशन इक्वल टू जीरो. अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है तो उसका रियल पार्ट भी 0 होगा, इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा. तो देयरफॉर यहां से ये रिलेशन आती है, समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n माइनस वन cos 2 आर पाई बाई एन इज इक्वल टू 0 एंड समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n sin 2r pi by n is equal to 0. Sorry, n n minus n. ये देखिए, ये देख ले, कोई डाउट है तो बताइए. 0 रखेंगे तो मतलब क्या आएगा? 1 plus cos 2 pi by n plus cos 4 pi by n plus cos 6 pi by n up to cos 2 into n minus 1 pi by n. इसका समेशन कितना है? 0. ऐसा इधर है 0 1 2 3 रख. sin 2 pi by n sin 4 pi by n up to sin 2 into n minus 1 pi by n is equal to 0. Next, product of all the roots. Dekhe. Product of all the roots. क्या होगा? वन इंटू अल्फा स्क्वायर अप टू अल्फा पावर एन माइनस वन. प्रोडक्ट क्या आया था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में? वन इंटू ओमेगा स्क्वायर कितना आया था? वन आया था. लेकिन यहाँ पे वन हमेशा नहीं आएगा, डिपेंड करेगा. देखो प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स माइनस वन रेस्ट टू द पावर एन इंटू कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ जेड पावर एन आएगा. तो n इवन है या ऑड है उसके ऊपर डिपेंड करेगा. n ऑड नंबर होगा तो प्लस वन होगा, लेकिन इवन होगा तो माइनस वन हो जाए. अब ऐसे समझ लो जेड स्क्वायर डिग्री टू ले रहे हो, जेड स्क्वायर माइनस वन इसको लो जीरो, रूट क्या आएंगे? प्लस वन माइनस वन, प्रोडक्ट कितना हुआ? माइनस वन. इवन का देख लिए थे, देख लिए माइनस वन, फिर ऑड में जेड क्यूब माइनस वन वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन आएगा. डिग्री फोर देखना चाहते हो जेड पावर फोर माइनस वन के लिए देख लो.
ऑड होगा तो प्लस वन, इवन है तो माइनस वन, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द nth रूट्स ऑफ यूनिटी। और क्या पढ़ा था, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के स्क्वायर होते हैं, वो यहां नहीं चलेगा। और क्या पढ़ा था, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं और एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे रूट्स ऐसे हैं, मान लीजिए वन है अल्फा स्क्वायर है, अल्फा क्यूब आपको अल्फा पावर एन माइनस वन, तो वन को छोड़ दीजिए, फर्स्ट और लास्ट जो होगा एक दूसरे का कॉन्जुगेट होगा, रेसिप्रोकल भी होगा। अल्फा पावर एन माइनस वन बराबर वन बाई अल्फा हो, अल्फा पावर एन माइनस टू बराबर वन बाई अल्फा स्क्वायर हो, देख सकते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा पावर एन बराबर वन, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट भी हैं। ए मॉडुलस अल्फा कितना पढ़े थे, वन, मॉडुलस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू वन, मींस अल्फा अल्फा बार इज इक्वल टू वन, तो वन बाई अल्फा को क्या लिख सकते हो, अल्फा बार, इस वन बाई अल्फा की जगह अल्फा बार लिख सकते, मतलब अल्फा पावर एन माइनस वन बराबर अल्फा बार है, अल्फा पावर एन माइनस टू बराबर अल्फा स्क्वायर का बार है। फर्स्ट एंड लास्ट nth रूट ऑफ यूनिटी, वन को छोड़ करके नॉन रियल, वह क्या है, एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, स्क्वायर इसमें नहीं। नोट कर ले इसको, फिर देखते हैं, वन रेस टू द पावर के, अल्फा रेस टू द पावर के, अल्फा स्क्वायर रेस टू द पावर के, अप टू अल्फा पावर एन माइनस वन रेस टू द पावर के, सभी nth रूट्स ऑफ यूनिटी का पावर के ले लिया मैंने, ऐसा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में भी लिखा था, सबका पावर लिखा था n, n 3 का मल्टीपल नहीं था तो आंसर था 0, 3 का मल्टीपल था तो क्या था आंसर, 3, लास्ट क्लास में पढ़े थे ना, ये इसी तरह से यहाँ है, ये जीरो होता है, k is not a multiple of n, k n का मल्टीपल नहीं है, जीरो आएगा, n आएगा इफ k is multiple of n, k n का मल्टीपल होगा तो वैल्यू n आ जाएगी, n का मल्टीपल हुआ तो 1 पावर n 1, अल्फा पावर n भी 1, अल्फा पावर n का स्क्वायर 1, तो ये सारे 1 1 1 1 n हो जाएगा, और n का मल्टीपल नहीं है तो 0 होगा, जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में 3 का मल्टीपल नहीं है तो 0, 3 का मल्टीपल है तो 3, सिमेट्री है, देख लीजिए कोई डाउट है इस पॉइंट में तो बताइए। नेक्स्ट बात है, n, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को हमने फैक्टराइज करके लिखा था, वैसे ही हम इसको फैक्टराइज करके ले सकते हैं, जेड पावर एन माइनस वन को क्या ले सकते हो, जेड माइनस वन इंटू जेड माइनस अल्फा, जेड माइनस अल्फा स्क्वायर, जेड माइनस अल्फा क्यूब अप टू जेड माइनस अल्फा पावर एन माइनस वन, और ये क्या है, अगेन एक आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ट्रू फॉर एवरी जेड। लास्ट पॉइंट, सिमिलर टू क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को जब हम कॉम्प्लेक्स प्लेन पर एक्स वाई प्लेन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होता है, वो एक सर्कल के ऊपर होते हैं, यूनिट सर्कल पे जिसका सेंटर ओरिजिन होता है, दे आर ऑल्सो वर्टाइसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसका वन वर्टेक्स वन जीरो था, यहाँ एन रूट्स हैं तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ बात है, व्हेन nth रूट्स ऑफ यूनिटी, व्हेन nth रूट्स ऑफ यूनिटी आर रिप्रेजेंटेड on a complex plane, then when nth roots of unity are represented on a complex plane, they lie on a unit circle, with center at
origin. And they are also vertices of. Also, vertices of a regular polygon. With one vertex at one comma zero. Regular polygon of n sides and roots and सभी का मॉडुलस क्या होता है वन होता है तो सभी की डिस्टेंस ओरिजिन से वन हो तो वो एक यूनिट सर्कल पे है जिनका सेंटर ओरिजिन इसका एक रूट वन आता है तो ये वन हो गया एक बार फिर अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 पाई बाई एन एंगल से रोटेट करते हैं तो नया कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है 1 इनटू ई पावर आई 2 पाई बाई एन ए अल्फा ए फिर से 2 पाई बाई एन से रोटेट करोगे तो क्या मिल जाएगा ई पावर आई 4 पाई बाई एन ए अल्फा स्क्वायर हो गए ये एंगल क्या हो गया 2 पाई बाई एन फिर से 2 पाई बाई एन और जब सेंटर पे एंगल सेम बन रहा है ये सभी साइड्स की लेंथ इक्वल होगी आएगी ये क्या बन जाएगा एक रेगुलर पॉलीगन है यही बोल रहे एक रेगुलर पॉलीगन के वर्टिसेस है ये पूरा एंगल होता है 2 पाई एवरी साइड इज मेकिंग एंगल सेम 2 पाई बाय एन नोट करेंगे इस पर बेस्ट क्वेश्चंस करते हैं एंड रूट्स ऑफ यूनिटी पर बेस्ट क्वेश्चन नंबर वन अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा फोर अल्फा फाइव आर फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी देन फाइंड फर्स्ट पार्ट अल्फा वन पावर फोर प्लस अल्फा टू पावर फोर प्लस अल्फा थ्री पावर फोर प्लस अल्फा फोर पावर फोर प्लस अल्फा फाइव पावर फोर सेकेंड है अल्फा वन पावर ट्वेंटी प्लस अल्फा टू पावर ट्वेंटी प्लस अल्फा थ्री पावर ट्वेंटी प्लस अल्फा फोर पावर ट्वेंटी प्लस अल्फा फाइव पावर ट्वेंटी नोट कर लीजिए पॉइंट्स और फर्स्ट क्वेश्चन बनाइए अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा फोर अल्फा फाइव ये फाइव रूट्स हैं यूनिटी के मतलब जेड पावर फाइव इज इक्वल टू वन से जब रूट निकलेंगे तो अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा फोर अल्फा फाइव इन सभी का सेम पावर फोर लेकर के अगर ऐड कर दें तो वैल्यू क्या आएगी सबका पावर ट्वेंटी लेकर ऐड करें तो वैल्यू क्या आएगी ये क्वेश्चन बताइए जीरो एंड फाइव ठीक है अभी फॉर्मूला पढ़ा था इससे पहले पॉइंट नंबर कौन सा था नाइन या टेन था ना नाइन था इससे पहले पॉइंट पढ़ा था नाइन जिसमें सभी nth रूट ऑफ यूनिटी का पावर हमने क्या ले लिया के के अगर n का मल्टीपल है तो के फाइव का अगर मल्टीपल हो तो वैल्यू फाइव आएगी फाइव का मल्टीपल नहीं है तो वैल्यू क्या आएगी जीरो तो ये फोर क्या है फाइव का मल्टीपल नहीं है तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा जीरो मींस फोर इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ फाइव देयरफॉर सम इज इक्वल टू जीरो और ये ट्वेंटी क्या है ट्वेंटी इज अ मल्टीपल ऑफ फाइव तो ट्वेंटी मल्टीपल है फाइव का ट्वेंटी इज अ मल्टीपल ऑफ फाइव देयरफॉर सम इज इक्वल टू फाइव ये फर्स्ट सेकेंड फाइंड समेशन लैम्डा इज इक्वल टू वन टू ट्वेल्व साइन टू लैम्डा पाई बाई थर्टीन माइनस आयोटा कॉस
2 lambda pi by 13. बनाए इसको समझ lambda is equal to 1 to 12 sin 2 lambda pi by 13 minus iota cos 2 lambda pi by 13. क्वेश्चन नंबर टू थर्टीन लिखा है डिनोमिनेटर में तो ये कौन से रूट्स होंगे जेड पावर थर्टीन इज इक्वल टू वन लिखो अगर आप वन को क्या लिखोगे ई पावर आल्टर टू के पाई लिखते हैं यहाँ के ना लिख करके क्या लिख रहा है लैम्डा लिखा है फिर ये थर्टीन यहाँ लेके जाते हो तो आ जाता है जेड बराबर ई पावर आल्टर टू लैम्डा पाई बाई थर्टीन मतलब है कॉस टू लैम्डा पाई बाई थर्टीन प्लस आयोटा साइन टू लैम्डा पाई बाई थर्टीन ये तो है इसके रूट्स निकालोगे तो लैम्डा की वैल्यू जीरो वन टू थ्री अप टू ट्वेल्व तक रखो ट्वेल्व तक तो क्या आएगा वन अल्फा अल्फा स्क्वायर अप टू अल्फा पावर ट्वेल्व देखिए इसी फॉर्मेट में है लेकिन यहाँ साइन माइनस आई कॉस है वहां पे क्या होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा तो उस फॉर्मेट में पहले चेंज करते हैं इस वन को क्या लिखिए माइनस आई स्क्वायर लिख सकते हो आई स्क्वायर माइनस और माइनस ऑफ माइनस प्लस ऑफ अब इसमें से माइनस आई कॉमन ले लिया माइनस आई कॉमन ले लिया तो क्या मिला समेशन लैम्डा इज इक्वल टू वन टू ट्वेल्व ये बन जाएगा आयोटा साइन टू लैम्डा पाई बाई थर्टीन प्लस कॉस टू लैम्डा पाई बाई थर्टीन अब तो ये आ गया दैट इज ई पावर आयोटा टू लैम्डा पाई बाई थर्टीन बन गया ई पावर आयोटा टू लैम्डा पाई बाई थर्टीन ठीक है इसमें वन रखेंगे तो यही आएगा अल्फा मतलब ये क्या बन रहा है अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब अप टू अल्फा पावर ट्वेल्व लेकिन ध्यान दें इसमें लैम्डा जीरो से नहीं जीरो से होता तो सम ऑफ रूट्स जीरो होता जीरो से ट्वेल्व लिखते तो लेकिन यहाँ क्या लिखा है वन से ट्वेल्व सभी रूट्स का सम जीरो होता है लेकिन वन यहाँ नहीं है इसमें वन ऐड कर लीजिए वन सब्ट्रैक्ट कर दिए तो इसकी वैल्यू जीरो माइनस वन मतलब कितना आ गया माइनस आयोटा इंटू माइनस वन मतलब फाइनल आंसर कितना आयोटा नोट करिए क्वेश्चन नंबर थ्री प्रूव दैट ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन So that all the roots of the equation z plus 1 upon z raised to the power n is equal to 1 are collinear on complex plane. Prove that all the roots of this equation are collinear on the complex plane. जो भी इस इक्वेशन के रूट्स होंगे वो सभी कोलिनियर होंगे एक लाइन पे आएंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाएंगे इसको थर्ड जल्दी से बनाइए
आंसर रूट दैट है, बन गया। इस इक्वेशन के जो भी रूट्स हैं वो कोलिनियर होंगे इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ठीक है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हो, आपको बताया मैंने कि मॉड ले सकते हैं, तो मॉड ले सकते हैं, ये पावर तो बाहर आ जाता है मॉड के, जिसको ऐसे ले सकते हैं मॉड जेड प्लस वन अपॉन मॉड जेड रेस टू पावर एन बराबर वन। मॉड क्या है? रियल पॉजिटिव नंबर। वन के बाकी जो रूट्स आएंगे वो सारे तो कॉम्प्लेक्स आएंगे, या माइनस वन भी नहीं ले सकते, मॉड तो मॉड है तो केवल रूट क्या ले सकते हैं यहाँ से? रियल रूट क्या होगा? रियल और पॉजिटिव रूट वन का, वन के पावर कुछ भी लिखिए, जब हम रियल नंबर पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं? वन ही आता है रियल पॉजिटिव रूट में, ठीक है। मॉड जेड प्लस वन बराबर अपॉन मॉड जेड इज इक्वल टू वन, यहां से लिख सकते हो मॉड जेड प्लस वन बराबर कितना हो गया? जेड का लोकस जो है एक स्ट्रेट लाइन है, इसी पर होगा कहीं, तो इसको जो भी सेटिस्फाई करने वाले जेड होंगे वो सारे इसी स्ट्रेट लाइन पे होंगे, तो आल आर कोलिनियर। यही प्रॉपर ना था कि रूट्स जो होंगे कोलिनियर होंगे, तो ये स्ट्रेट लाइन पर आए। क्वेश्चन नंबर 4, इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x plus 1 by x का square plus x square plus 1 by x का square up to x power 27 plus 1 by x power 27 whole square बनाइए। x square plus x plus 1 जीरो है तो हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन नंबर 4, और कौन बता रहा है? नहीं, 26, 27, 25 ये सही नहीं है, 54 नहीं। चलो देखते हैं क्या होगा। एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ये रूट्स क्या होते हैं? वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये फैक्टराइज होता है
इसको ऐसे लिखते हो x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, इससे तो रूट वन आता है लेकिन इससे क्या आता है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो की रूट क्या है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन में पहली वैल्यू रखोगे ओमेगा प्लस वन बाई ओमेगा का होल स्क्वायर, दूसरा क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस वन बाई ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर नेक्स्ट क्या आएगा ओमेगा क्यूब प्लस वन बाई ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर, ऐसा बनेगा। वन बाई ओमेगा क्या होता है ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, माइनस वन का स्क्वायर है ना, तब तो ज्यादा आ जाएगा आंसर। हाँ ठीक है 54, ये देखो ये है प्लस माइनस वन का स्क्वायर, ये भी है माइनस क्योंकि वन बाई ओमेगा स्क्वायर ओमेगा होगी, लेकिन ये ओमेगा क्यों वन, वन बाई ओमेगा क्यों भी वन, वन प्लस वन टू का स्क्वायर है, जैसे ही थ्री का मल्टीपल होगा तो वन प्लस वन टू होगा, लेकिन बाकी दोनों माइनस वन फिर फोर लोगे फिर माइनस वन का स्क्वायर फिर माइनस वन का स्क्वायर, फिर जैसे ही सिक्स आएगा तो किसका स्क्वायर आ जाएगा टू का स्क्वायर, इस तरह से थ्री 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 टर्म के कितने बन जाएंगे नाइन आ जाएंगे, तो वन प्लस फोर कितना हुआ सिक्स इंटू नाइन कितना आंसर आ गया 54। क्वेश्चन नंबर फाइव बने, लास्ट टू क्वेश्चन और करने हैं, एंड रूट ऑफ यूनिटी फिफ्थ और उसके बाद एक और करेंगे सिक्स। फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ यूनिटी व्हिच आर बोथ 10th एंड 15th रूट्स ऑफ यूनिटी, ट्वेंटी वन कैसे हो सकता है, टेंथ रूट भी हो 25 नहीं, ऐसे नंबर ऑफ रूट्स कैलकुलेट करते हैं जो टेंथ रूट्स भी हो यूनिटी का और फिफ्टींथ रूट्स भी हो, मतलब दोनों में कॉमन, समझ रहे हो, तो टेन से कम ही हो सकता है। यूनिटी के टेंथ रूट कितने होंगे, टेन आएंगे डेड पॉट इक्वल टू वन, और फिफ्टींथ रूट्स इसको सॉल्व करोगे इससे 15 रूट्स आएंगे जो दोनों हो, मतलब इन दोनों में कॉमन, तो कॉमन तो इसमें 10 रूट्स हैं इसमें 15 है, कॉमन तो 10 से कम ही होंगे ना, तो आंसर ना तो 10 से ज्यादा हो सकता है 25 जो बोल रहे हो दोनों को ऐड करके, ना 10 होगा उससे कम आएगा। बनाइए अब भाई इसके रूट्स निकालिए, पता है ना इसके रूट्स कैसे निकालते हैं, रूट्स निकालिए और देखिए कौन से कॉमन हो। देखते थे ठीक से सॉल्व कीजिए, वापस देख लीजिए कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। देखें जेड पावर टेन इक्वल टू वन, वन को क्या लिखोगे ई पावर कॉस जीरो प्लस आई साइन जीरो, फिर टू के पाई ऐड करोगे तो ई पावर आयोटा टू के पाई, ऐसे ये भी ई पावर आयोटा टू के पाई, लेकिन दोनों जगह के ना लिख करके एक जगह केवल लिख देते हैं जगह के टू लिख लेते हैं, यहाँ जेड बराबर क्या आ गया ई पावर आयोटा टू के वन पाई बाई टेन, और इधर से जेड बराबर ई पावर आयोटा टू के टू पाई बाई फिफ्टीन, यहाँ के वन की वैल्यू जीरो वन टू थ्री अप टू नाइन तक रख सकते हो, यहाँ के टू जीरो वन टू
आप तो 14 तक रख सकते हो। ये दोनों वैल्यू अगर आपस में बराबर हो गई तो रूट सेम हो जाएगा। ये दोनों भाई कॉमन रूट मतलब ये रूट इसी रूट के बराबर होना चाहिए। तो एक्सपोनेंट को कंपेयर कीजिए, फॉर कॉमन रूट 2k1 पाई बाई 10 शुड बी इक्वल टू 2k2 पाई बाई 15। पाई कैंसिल, 2 कैंसिल, यहां से कितनी वैल्यू आ गई, k1 बराबर 2k2 अपॉन 3, एक पाई कैंसिल, इसको कैंसिल करो। अब देखिए k2 क्या होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे आप k2 रखोगे 0 तो k1 क्या आएगा, 0। k2 रखोगे 3 तो k1 कितना आएगा, 2। 6 रखोगे तो 4, 9 पे 6, 12 पे 8, 15 रख नहीं सकते, 14 तक रखना है। तो कितने मल्टीपल आए, 1, 2, 3, 4, 5। तो इससे जो k2 से जो वैल्यू आएगी वही k1 से आएगी। तो उस समय कॉमन रूट आएगा, तो कॉमन रूट कितने हुए, जो 10th भी रूट है और 15 भी, 5 आ गए। तो देयरफॉर नंबर ऑफ कॉमन रूट्स आर रूट्स व्हिच आर बोथ 10th रूट्स एज वेल एज 15th रूट्स ऑफ यूनिटी विल बी 5। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 बनाए। इफ z1 z2 z3 अप टू z100 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स हैं, देन फाइंड समेशन r इज इक्वल टू 1 to 100 1 अपॉन zr-1। लास्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर पे। बनाइए जल्दी से, नोट करिए। z1, z2, z3 अप टू z100 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस 100 डिग्री की इक्वेशन के रूट्स हैं। ये वैल्यू कैलकुलेट करने, r इज इक्वल टू 1 टू 100, 1 अपॉन zr-1। ध्यान से देखो तो ये क्या है, जीपी है, लगाइए फॉर्मूला जीपी। कितने टर्म है इसमें, 101 टर्म है, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है ना। फॉर्मूला लगाएंगे तो a इंटू 1-r(n) अपॉन 1-r इज इक्वल टू जीरो लिखोगे, लेकिन ये ध्यान रखेंगे जेड 1 नहीं होगा। ये फॉर्मूला लगा क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जेड पावर 101 बराबर 1 आया, लेकिन इसमें से 101 रूट आएंगे, इसके कौन सा रूट नहीं लेंगे, 1 नहीं लेंगे। मान लीजिए इसके रूट्स आते हैं, इससे रूट आते हैं 1, z1, z2 अप टू z100, तो इसमें हमें ये 1 नहीं लेना। यही बाकी बचे 100 रूट्स, इसी इक्वेशन के रूट्स हैं वो, इसी इक्वेशन के रूट्स, इससे बस 1 नहीं तो छोड़ के बाकी रूट्स आ जाएंगे। अब इससे ये समेशन कैलकुलेट करी, देखें गिवन सम क्या है, समेशन r इज इक्वल टू 1 to 100 1 upon zr-1। इसका क्या मतलब है, आर की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 upon z1-1, फिर 1 upon z2-1, 1 upon z3-1, अप टू 1 upon z99-1, प्लस 1 upon z100-1। ये
वैल्यू कैलकुलेट करनी। इसकी हेल्प से ये सम कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अभी nth रूट ऑफ यूनिटी में बताया था, फर्स्ट एंड लास्ट जो होता है एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। डेट 100 क्या होगा? 1 अपॉन डेट 1 होगा। डेट 99 क्या होगा? 1 अपॉन डेट 2 होगा। तो ये फर्स्ट एंड लास्ट एक साथ ले लेते हैं एक ब्रैकेट में, सेकंड लास्ट एक ब्रैकेट में बना लेते हैं। कितने टर्म है? 100, तो ऐसे कितने ब्रैकेट बन जाएंगे? 50 ब्रैकेट बन जाएंगे। पहला ब्रैकेट देखिए क्या है, 1 अपॉन z1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन z, z 100 को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन z1 माइनस 1 प्लस ऐसे ही सेकंड और सेकंड लास्ट 1 अपॉन z2 माइनस 1 एंड सेकंड लास्ट को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 1 बाय z2 माइनस 1। इस तरह के 50 ब्रैकेट्स आ जाएंगे। फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, बाकी सिमेट्रिकल टर्म ही है। एलसीएम लेंगे हम, जेड वन ऊपर गया कितना है, 1 अपॉन जेड वन माइनस 1 प्लस जेड वन अपॉन 1 माइनस जेड वन, ये होगा। इसमें माइनस कॉमन लो, तो ये 1 अपॉन जेड वन माइनस 1 माइनस जेड वन अपॉन जेड वन माइनस 1। यह एलसीएम क्या हुआ, जेड वन माइनस 1 और न्यूमेरेटर में 1 माइनस जेड वन, माइनस कॉमन लिए तो जेड वन माइनस 1 कैंसिल हो गया, माइनस 1, यही माइनस 1 सब में आया। देखो इसमें भी आंसर है, 50 टाइम्स मतलब कितना आंसर आ गया, माइनस 50। नोट करिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा माइनस 50। कोई भी डाउट है बताइए, देखते हैं किसी को भी कोई प्रॉब्लम है।